मैं सोनी कुमारी कुशवाहा कैमूर जिला से एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के भोजन एवं खान पान से संबंधित विषय को लेकर आप लोगों के बीच में अपने विचार साझा कर रही हूँ। कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के आधार पर आठवां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ कुल 31 जिले हैं। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसका कर्नाटक नाम 1 नवंबर 1973 को मिला। पहले यह मैसूर राज्य के रूप में जाना जाता था। कर्नाटक एक जीवंत राज्य है जो अपनी विरासत एवं भव्य संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के कई त्योहार कला धर्म मौसम आदि के नाम पर आयोजित किए जाते हैं। पहले यह कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां आपको उसका लाजवाब स्वाद और भोजन में कई विविधता देखने को मिल जाएगी। कर्नाटक के भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों की लंबी लिस्ट है। जहां आपको उत्तरी कर्नाटक में शाकाहारी भोजन खाने को मिलेगा, तो वहीं तटीय क्षेत्रों में स्वादिष्ट सी फूड फेमस है। वहीं कोडागु क्षेत्र में बेहतरीन मीट करी पकाई जाती है। तो आइए इसी क्रम में मैं आपको कर्नाटक के कुछ विशेष व्यंजनों के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले वहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो भोजन है वह है नीर डोसा। नीर शब्द का मतलब है होता है तुलु भाषा में पानी। नीर डोसा एक बहुत ही प्रसिद्ध पकवान है जिसे चावल से बनाया जाता है और यह बिना स्टफिंग का डोसा होता है, जिसे चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है। मैसूर मसाला डोसा, यह भी डोसा का ही एक रूप है, लेकिन इसके ऊपर चटनी लगा करके इसके पेपर को तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है जोलड रोटी। यह रोटी बेहद ही मुलायम होती है, जो कि उत्तरी कर्नाटक की खासियत है। इसे बनाने में जौ के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बैंगन की सब्जी, चटनी और अचार के साथ परोसा जाता है। उसके बाद आता है मंदूर बड़ा। यह कर्नाटक का फेमस स्नैक्स है। इसका नाम कर्नाटक के मांड्या में आने वाले कस्बे मंदूर से हुआ। इस बड़े को बनाने में मैदे में चावल के आटे के साथ प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ते, घिसे नारियल, सौंफ और जीरे का इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटक में वैसे तो बहुत सारे व्यंजन बहुत मशहूर है। इसी क्रम में कुछ मैं आपको